मित्रों, आज हम एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो नेत्रहीन होने के बावजूद समाज में अहम स्थान रखते हैं, लोगों के लिए कार्य करते हैं। दिव्यांगता और नेत्रहीनता इनके इस कार्य में रुकावट नहीं है। श्री लक्ष्मी प्रसाद जी, वन ग्राम निषाद नगर, तहसील मोतीपुर, थाना सुजौली, जनपद बहराइच के निवासी हैं। आपके पिताजी का क्या नाम था और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमारे पिताजी का नाम श्री चौथीलाल था, मेरा नाम लक्ष्मी नारायण था। वनग्राम निषाद नगर के रहने वाले हैं भैया। अच्छा, तो ये बचपन में आपका जो है ये जो दिखाई पड़ने की दिक्कत है, ये कब से जो है? बचपन में हमको दिखाई पड़ता था। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब था, कई बरस तक हमारे घर में खाने पीने का स्थिति का बहुत मजबूती नहीं था, बहुत कमज़ोर थे और घर में ना खाने पीने की व्यवस्था होने के कारण हम बचपन में जाकर कटियारा में किसी के साथ पत्थर हम ढोते थे, निकालते थे। हम लोग 3 फुट पानी, 4-4 फुट पानी के में मेहनत कर करके हम लोग निकालते थे और वहीं से मेरी यहाँ की स्थिति कमज़ोर हो गई। तो ये कितने साल की उम्र का मामला है? लगभग हम जब हमारे यहाँ की स्थिति ख़राब हुआ तो हम 15 साल के थे। अच्छा, उसके बाद तो लगा होगा कि अब ज़िंदगी बहुत कठिन हो गई है। बहुत कठिन हो गया, कोई सहारा नहीं मिला भैया। तो फिर आगे की ज़िंदगी कैसे जो है? अब आगे की ज़िंदगी समाज के देख कर मैं जिंदा हूँ किसी तरीके से। क्या क्या करते हैं आप गांव के लोगों के लिए? हम गांव के साथ जुड़ के सबसे मिलकर और सारे लोग के सहयोग के, सारे लोग के शान ताकत के हिसाब से चलते उसी हिसाब से देखते देखते हम अपना जीवन और अपने के हम कभी नहीं समझा कि मैं अंधे हूँ। समाज के देखते हुए चलते हुए हमने जाना कि हमको दिखाई पड़ रहा है। तो गांव में आपके बारे में आपको प्रधान जी कहा जाता है? हमको प्रधान जी इसलिए करते थे, जब से हम अंधे हो गए कहीं जा नहीं पाए, हम समाज का सेवा करते रह गए। रात में किसी का डिलीवरी के मामला है, कोई की तबीयत ख़राब हो गया, कोई का बुखार हो गया, कोई आदमी कालरा हो गया, कोई आदमी के मजबूरी स्थिति से पैसे नहीं था तो कहीं से हमें जाके इधर उधर लेकर उन लोग इलाज करवाते थे और समाज में चलते थे। समाज के देखते देखते चलते चलते हमको कभी नहीं बिठाया कि हम अंधे आदमी हैं। तो लगातार जो है वो आप काम कर रहे हैं। आपने अभी हाल में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बहुत बड़ा काम किया है, क्या था वो काम? वो खाते खुलवाना था। हमने लगभग 300 खाते खुलवाए हैं बनग्राम से लेकर आपने क्षेत्र भर का। पहले गिरजापुरी में किसी आदमी का खाता खोलने का बहुत पैबंद था, उस समय हम मैनेजर साहब से मिलकर अपनी मजबूरियों के अपने गांव की स्थिति बताते हुए उस हिसाब से मैनेजर साहब मेरी बातों पर गिरजापुरी में 300 लगभग खाता खुलवा दिए। तो आपके गाँव का तो बनग्राम है, वनभूमि पर बसा है, तो आपके गाँव में क्या समस्या है? हमारे गाँव का समस्या दिन दिन खराब होते जा रहा है। वहाँ न कहीं मकान बनने का व्यवस्था है, न राजेश ग्राम की ज़मीन है, न कोई पढ़ाई का सुविधा है, न कोई डॉक्टरी सुविधा, कोई सुविधा नहीं हमको। समाज के लिए तो भैया हर एक काम करते हैं, जो भी किसी को मुसीबत पड़ा उसमें रात हो बिरात हो कभी भी दौड़ के जाते हैं, किसी का कोई भी काम फंसता है उसको ये करते हैं। मतलब किस तरह का काम करते हैं? मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया, उसको गाड़ी करना, बुलाना, उसको ले के जाना, साथ में डॉक्टरी ले जाना, उसका इलाज करवाना। उसके बाद मान लीजिए किसी को पैसे भी ना काम बिगड़ रहा है तो उसको किसी से ले दे करके उसको पैसे से काम चलाना, अपना जीका चलाते हैं। मान लीजिए कि खुरपी चलाना है जाके अपने आप सोते। तो आप धान वान सब निरा लेते हैं? क्या करें, हम ना अनुभव कर लेते हैं, धान भी निरा लेते हैं, पेमेंट काट लेते हैं, फौड़ा भी चला लेते हैं। यह है कोई रहे या ना रहे, और किसी कोई अधिकारी आ गया, कोई लिखना पड़ना है, सारे गाँव का नाम बताना है, श्री लक्ष्मी नारायण के पास चले जाएँ, पूरे गाँव का बच्चे बच्चे का नाम भी बताएँगे और उसमें दर्ज लिखवा सकते हैं। वो प्रधान इसलिए कहा जाता है कि हर एक कार्य में जो है कि ये सहयोग देते हैं, सबको मान सम्मान देते हैं और बराबर कहीं भी कोई भी काम लगता है वहाँ ले आते हैं। और सब जिसके पास आँखें हैं वो जो है कि मतलब स्वार्थी हैं, इनको मतलब स्वार्थी से कोई मतलब नहीं है, सबका सहयोगी है, सबका सहयोग करते चले आए हैं और अभी भी करते हैं, कभी भी करते रहेंगे। शौच क्रिया के लिए बाहर जाना होता है तो फिर कैसे जाते हैं? चले जाते हैं, सब कहते हैं ऊपर वाला ग्रेन है, चले जाएंगे उसी रास्ते से चले आएंगे। हमने दिलाते हैं कि बाघ मार देगा, शेर मार देगा, नहीं मारेगा, चले जाते। अगर आपको लक्ष्मी प्रसाद जी की ये कहानी पसंद आई हो तो आपसे निवेदन है कि इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें।